गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम एस एस टी टीचर। टुडे वी विल रीड स्टडिंग द पास्ट। अतीत में बीती हुई बातों को पढ़ना और उसके बारे में जानकारी लेना। व्हाट इज हिस्ट्री, इतिहास क्या है? कैन यू नेम योर फोर फादर्स, क्या आप अपने पूर्वजों का नाम जान सकते हैं या जानते हैं? व्हाट डिड दे डू, वे क्या करते थे? हाउ डिड दे लिव, वो कैसे रहते थे? व्हाट डिड दे ईट, वे क्या खाते थे? व्हाट डिड दे वेयर, वे क्या पहनते थे? टू नो ऑल थिंग दिस अबाउट देम यू नीड टू स्टडी हिस्ट्री। इन सब बातों को जानने के लिए आपको इतिहास को पढ़ना पड़ेगा। दस हिस्ट्री मीन्स द स्टडी ऑफ द पास्ट। इतिहास का मतलब है अतीत में बीती हुई बातों को जानना, उसके बारे में पढ़ना। द पास्ट हैज लेफ्ट मैनी ट्रेसेस एज ट्रेडिशंस, फोक टेल्स, वर्क्स ऑफ आर्ट, आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स, बुक्स एंड अदर रिटन रिकॉर्ड्स। पास्ट में बहुत सारे चीज़ों को छोड़ा गया है जिसके बदौलत हम इतिहास के बारे में जानते हैं, जैसे कि उसकी परंपरा, उसकी लोक कथा, कलाकृति, पुरातात्विक वस्तुएं, किताबें और लिखित रिकॉर्ड्स। हिस्टोरियन स्टडी द रिकॉर्ड्स ऑफ पास्ट इवेंट्स एंड प्रिपेयर न्यू रिकॉर्ड्स। हिस्टोरियन जो हैं, वो इतिहासकार जो हैं, वो बीती हुई बातों को, उसके घटना को पढ़ते हैं, जानकारी लेते हैं और उसके बाद एक नया रिकॉर्ड बनाते हैं। दिस रिकॉर्ड्स एज वेल एज द इवेंट्स देमसेल्व्स आर आल्सो कॉमनली कॉल्ड हिस्ट्री। और ये रिकॉर्ड जो हमें मिलता है उसे ही हम इतिहास कहते हैं। हिस्टोरियंस मेनली स्टडी द पास्ट एज इट हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन रिटन डॉक्यूमेंट्स। इतिहासकार जो मुख्य रूप से लिखित बातों को जो उन्हें मिला, जो लिखित रूप से जो मिला रिकॉर्ड्स, वे ही उसी आधार पर वो आगे की ओर बढ़े। दे स्टडी ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ पास्ट ह्यूमन लाइफ। उन्होंने ह्यूमन लाइफ का, मानव जीवन का हर एक पहलू के का अध्ययन किया, जैसे कि सोशल एंड कल्चरल कंडीशंस एज वेल एज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इवेंट्स, सामाजिक रूप से, उसके राजनीतिक रूप से और आर्थिक घटनाक्रम, जो जो भी कंडीशन मिला उनको, उन कंडीशन को उन्होंने स्टडी करके आगे के हिस्ट्री के रूप में उन्हें बदला, जिसे हम आज हम लोग पढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री हेल्प अस टू अंडरस्टैंड बेटर हाउ पीपल ऑफ देयर टाइम्स एक्टेड एंड थॉट। तो इतिहास हमें यह समझने के लिए मदद करता है कि लोग तभी कैसे अपना जीवन व्यतीत करते थे और कैसे सोचते थे, क्या क्या सोचते थे। वी सीक टू ड्रॉ लेसन फ्रॉम दोज एक्शन एंड थॉट्स एज ए गाइड फॉर डिसीजन एंड पॉलिसीज। हम लोग तलाश ढूंढ के और इतिहास के बारे में जान के उनके एक्टिविटीज़ को, उनके थॉट्स को, उनके डिसीजन को, उनके पॉलिसीज़ को, हर एक पहलू को जानते हैं, वो हिस्ट्री में ही हम लोग पढ़ के। इट हेल्प अस टू नो आवर कंट्रीज हेरिटेज एज ए मीन्स ऑफ डेवलपिंग पैट्रियोटिज्म। ये हमें मदद करता है, इतिहास में मदद करता है कि देश की विरासत का विकास कैसे हुआ। इट टेल्स अस हाउ आवर नेशनल वे ऑफ लाइफ डेवलप्ड, उनके जीने के तरीका का विकास कैसे हुआ, पुराने लोगों के जीने का तरीका का विकास कैसे हुआ। तो हिस्ट्री टेल अस द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। इतिहास हमें बतलाता है ह्यूमन सोसाइटी का, मानव समाज का विकास कैसे हुआ, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से। हिस्ट्री इनेबल्स अस टू नो हाउ डिफरेंट लैंग्वेज डेवलप्ड इन डिफरेंट रीजन्स। इतिहास हमें यह भी बतलाता है कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग भाषा का प्रादुर्भाव, विकास किस प्रकार हुआ। वैन ऑफ पास्ट इवेंट्स। द हिस्टोरियंस अरेंज पास्ट इवेंट्स इन ऑर्डर ऑफ टाइम, दैट इज इवेंट्स दैट हैपन फर्स्ट फॉलोड बाई इवेंट्स दैट हैपन लेटर। दिस ऑर्डर इज कॉल्ड क्रोनोलॉजी। क्रमानुसार पहले कौन सा घटना हुआ, उसके बाद कौन सा घटना हुआ, तो हिस्टोरियन जो है, इतिहासकार, घटनाक्रम को क्रमानुसार उन्होंने इस इवेंट्स को का जो अध्ययन किया और इतिहास में दर्ज किया, ये चीज जो है क्रोनोलॉजी कहा जाता है। इन हिस्ट्री यू विल फाइंड डेट्स विद BC और AD।
हिस्ट्री में हम आप पाते हैं बीसी और एडी, ये एक घटनाक्रम को दर्शाता है डेट के अनुसार। बीसी इज एन एब्रीविएशन शॉर्ट फॉर्म ऑफ बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले। एडी इज एन एब्रीविएशन ऑफ एनो डोमिनी विच मीन्स इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, भगवान के जन्म का वर्ष। सिंस इट इज मोर नेचुरल टू से, ये बीसी और एडी हम पिछले क्लास में आपको डिटेल्स में बता चुके हैं, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। इन द ईयर ऑफ लॉर्ड 250 एडी इज यूजुअली रिटन बिफोर द नंबर। फॉर एग्जाम्पल वी राइट एडी 250 विच मीन्स 250 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद। व्हेन टेकिंग ऑफ रिसेंट टाइम्स वी यूजुअली डू नॉट पुट एडी बिफोर द ईयर। फॉर एग्जाम्पल वी राइट इंडिया बिकम रिपब्लिक इन 1950, हियर इट इज क्लियर दैट वी मीन एडी 1950। हम पहले भी बता चुके हैं कि इस चीज़ को मैंने डिटेल्स में आप लोगों को बता चुका है, आप लोग क्लियर रहिएगा। द डेट्स फॉर बीसी गो बैकवर्ड्स, वो पीछे जाता है बिफोर क्राइस्ट। दस 425 BC will comes before 400 BC. To calculate the number of years between a date in BC and one in AD, the two should be added together. एक साथ दोनों को ऐड करते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल 350 BC टू AD 150 मीन्स ए पीरियड ऑफ 500 ईयर्स, मतलब BC और AD के दोनों को अगर कैलकुलेट करना है तो दोनों को अगर ऐड करके हम उसके पीरियड को निकालते हैं, दोनों को ऐड करते हैं और जो निकलता है कैलकुलेशन वो पीरियड हो गया। फॉर द कन्वीनियंस ऑफ स्टडी द हिस्ट्री ऑफ मैन हैज़ बीन डिवाइडेड क्रोनोलॉजिकली इनटू थ्री पीरियड्स, एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। तो सुविधा के अनुसार इतिहास को पढ़ने के लिए इतिहासकार ने इसे तीन पार्ट में डिवाइड किया है, एंशियंट प्राचीन, मेडिवल मध्यकालीन एंड मॉडर्न आधुनिक। द एंशियंट पीरियड, हम प्राचीन काल के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। इन दिस बुक वी शैल स्टडी अबाउट इंडिया ड्यूरिंग द एंशियंट पीरियड, इस किताब में हम पढ़ेंगे सबसे पहले भारत के प्राचीन समय। द एंशियंट पीरियड इन इंडिया एक्सटेंड फ्रॉम द टाइम व्हेन द मैन फर्स्ट इमर्ज टू द टाइम व्हेन द अरब कॉन्क्वर्ड सिंध इन AD 712। तो AD 712 में अरब ने जब सिंध पर विजय प्राप्त किया तभी से भारत का जो है शुरुआत हुआ, तभी से ये फैला हुआ। ड्यूरिंग दिस पीरियड मैन इवॉल्व फ्रॉम ए मेयर हंटर एंड फूड गैदरर टू ए फार्मर एंड देन टू ए ट्रेडर। यहाँ पे क्या है कि ड्यूरिंग द पीरियड मैन इवॉल्व, इस पीरियड में जो मनुष्य का जो विकास हुआ फ्रॉम एक मात्र शिकारी के रूप में और एक फूड गैदरर मतलब भोजन को इकट्ठा करने के रूप में, टू ए फार्मर एंड देन टू ए ट्रेडर, पहले फार्मर उसके बाद फिर ट्रेडर मतलब व्यापारी के लिए। ही वेंट ऑन टू एस्टेब्लिश सिटीज एंड लेटर लार्ज किंगडम्स। इन द एंशियंट पीरियड इंडिया केम इन टू कॉन्टैक्ट विथ मैनी फॉरेन कंट्रीज एंड देन एंड द इंडियन पीपुल वी आर इन्फ्लुएंस बाय फॉरेन कस्टम्स, रिलीजियंस, लिटरेचर्स एंड आर्ट। धीरे धीरे जो है भारतीय अपने उन्होंने छोटे छोटे शहरों में और अपने साम्राज्य को राज्य को धीरे धीरे बढ़ाया और उसको स्थापित किया, और उसके बाद वो फिर विदेशों के भी संपर्क में, विदेशी देशों के भी संपर्क में आए और उन्होंने उसके रिवाज को, उसके धर्म को, उसके साहित्य को, कला को उन्होंने एक्सेप्ट किया और अपनाया। उसके बाद आते हैं प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री, प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक। एट द बिगिनिंग ऑफ द एंशियंट पीरियड, प्राचीन काल के शुरुआत में मैन डिड नॉट नीड टू सेटल लाइफ बट वांडर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वो एक जगह स्थिर नहीं रहते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। ही डिड नॉट नो हाउ टू रीड राइट रीड एंड राइट एंड हेंस हैज नॉट लेफ्ट बिहाइंड एनी रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ द टाइम्स। वो ना लिखने जानते थे, ना पढ़ने जानते थे और ना ही उन्होंने कोई रिटर्न रिकॉर्ड्स
तभी के समय में रखा। द पीरियड ऑफ मैंस एक्सिस्टेंस फॉर विच वी हैव नो रिटन रिकॉर्ड इज कॉल्ड प्री हिस्ट्री। वैसा समय जब कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं पाया गया, कोई लिखित दस्तावेज नहीं पाया गया, उस समय को प्री हिस्ट्री कहा जाता है। प्रागैतिहासिक। हिस्टोरियंस ड्रॉ कंक्लूजन्स अबाउट दिस पीरियड बाई स्टडिंग सच ड्यूरेबल रिमेन्स एज बोन्स, टूल्स, वीपन्स एंड केव सेल्टर्स। अब इतिहासकार जो है, अब कोई लिखित वर्णन नहीं है तो उसमें उस समय उन्होंने कंक्लूजन निकाला, निष्कर्ष निकाला उस समय के छोड़ी गई वस्तुओं को, हड्डियों से और हथियार से और गुफाओं में रखे गए अनेक कुछ कुछ वस्तुओं से। समटाइम्स बाई ऑब्जर्विंग ट्राइबल पीपल हु हैव रिटेन प्रिमिटिव लाइफ स्टाइल्स हिस्टोरियंस कन्फर्म देयर कंक्लूजन अबाउट प्री हिस्टोरिक मैन। तो जनजातीय जो लोग थे तभी साधारण लाइफ स्टाइल, साधारण जीवन व्यतीत करते थे, और इतिहासकार ने ये निष्कर्ष निकाला कि यही लोग जो हैं प्रागैतिहासिक काल के लोग हैं। दैट पीरियड ऑफ टाइम फॉर विच वी हैव रिटन रिकॉर्ड्स टू इज नॉन एज हिस्ट्री। वैसा काल जिस समय हमको लिखित दस्तावेज या लिखित रूप से उस चीज़ को मिला तो उसे हम इतिहास कहते हैं, उसे हिस्ट्री कहा जाता है। द रिटन रिकॉर्ड्स प्रोवाइड्स सच एज डेट्स ऑफ इवेंट्स, नेम्स ऑफ पीपल एंड प्लेसेस एंड सो ऑन। द रिटन रिकॉर्ड्स ये प्रोवाइड करता है तभी उस घटना को, उसके लोगों को और उस समय के लोगों को, साथ ही साथ उस समय में किस तिथि में कौन सा घटना हुआ और किस जगह पर हुआ। आपको नेक्स्ट क्लास में आगे की पढ़ाई